मैं डॉक्टर आर एल बहल, प्रिंसिपल रिटायर्ड फ्रॉम ए लोकल कॉलेज श्री अरबिंदो कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट लुधियाना। पिछले 2 महीने से मैंने रिटायरमेंट ली है, लेकिन अगर मैं पिरामिड की बात करता हूँ या अपने कॉलेज के बच्चों की बात करता हूँ, तो जब से ये पिरामिड बना है, हमारे कॉलेज के बच्चे ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट किया था। मैं अपनी फैकल्टी के साथ भी पिरामिड में आया था, यहाँ पे मेडिटेशन भी की थी, बच्चों ने भी मेडिटेशन की थी, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हमने मेडिटेशन का एक प्रोसेस वंस इन ए वीक कॉलेज में स्टार्ट किया। यहाँ से मास्टर्स भी आए, अनिल भारती जी भी आए, रचना गुप्ता जी आए, श्वेता शर्मा जी आए, लीना भारती मैडम आए, उन्होंने बच्चों को हर थर्सडे हमने एक पीरियड रखा हुआ था कि मेडिटेशन करनी है। लास्ट और लास्ट ईयर से हमने क्या किया कि टाइम टेबल में मेडिटेशन का पीरियड रख दिया, ताकि बच्चों को 20 मिनट की मेडिटेशन जरूर करवाई जाए फर्स्ट ईयर के लिए। बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से की। पर्पस यही था कि उनकी जो एंगर लेवल है, स्ट्रेस लेवल है, एंग्जाइटी है, वो थोड़ी सी कम हो। और जो होता है कि पेपर में क्या होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बहुत प्रॉब्लम इरिटेट करता था उनको। आपस में जो उनके रिलेशंस हैं विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वो भी अच्छे होने शुरू हो गए। मैं भी साथ में बैठता था। मेडिटेशन 20 मिनट्स की होती थी, लेकिन मेरे को बीच अंदर से ये था कि मेडिटेशन मेरे लिए मेडिटेशन 60 मिनट्स की होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को आई वॉज टोल्ड जो मास्टर से उन्होंने बताया था कि आप 60 मिनट की जितनी एज है। आई हैव कम्प्लीटेड 63, लेकिन 3 साल पहले तो 60 का ही था। तो मैंने कहा जब मैं फ्री होऊंगा, रिटायर होऊंगा या मेरे को जॉब से फ्री होऊंगा, तो मैं 60 मिनट की शुरू करूंगा। लेकिन एक दिमाग में बात चल रही थी कि मैंने करना है ये, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। 5 महीने पहले मेरे को ये लगा कि तू कुछ स्टार्ट कर दे, तो मेरे को एक मौका मिला। हम कॉलेज के बच्चे लेके वृद्ध आश्रम आए थे, पिरामिड आए थे, 4 महीने पुरानी बात है, तो अनिल भारती जी मिल गए मेरे को, जो प्रेसिडेंट है विवेकानंद वृद्ध आश्रम के और इस सारे चैरिटेबल ट्रस्ट के, कि मैंने जल्दी जाना है तो आप जल्दी फ्री हो जाओ। तो मैंने बोला कहाँ जाना है, कहने हमारे एक वो थोड़ी सी ग्रुप बना हुआ है। तो मैंने, मेरे को जानते थे पिछले 10-11 साल से, मैं कहा वो क्या ग्रुप है, कहते वो ऐसे है कि वो एक रूहानी मिलन है। मैं कहा वो रूहानी मिलन क्या होता है, कहते अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो साथ बैठते हैं वंस इन ए मंथ। तो मैं क्या, मैं और मेरी वाइफ दोनों मेंबर बन सकते हैं, कहते देख लो 12 बज गए हैं, 1 बजे आज का टाइम है। तो मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया कि क्या ये आप फटाफट तैयार हो सकते हो, हमने वो एक जाना है कहीं। चलो मेरा कहना मान लिया, हैट्स ऑफ टू दैट लेडी, मेरा कहना मान लिया। तो हम, मैं फटाफट यहाँ से फ्री होके पहुँचा, तैयार होके मैंने फिर 12:50 पे उनको फ़ोन किया कि क्या मैं इस टाइम पे 10 मिनट में पहुँच सकता हूँ, क्या मेरे को अलाउ करोगे, कहते आ जाओ। वो दिन लकीएस्ट था, मैं इसलिए मानता हूँ कि वो एक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ फर्स्ट स्टेप था मेरा, कि मैंने वो रूहानी मिलन में ग्रुप ऑफ 16, 17, 18 लाइक माइंडेड स्पिरिचुअल एंड ए वेरी जेंटल एंड ग्रेस पर्सन्स, वो एक एसोसिएशन है। तो हम पहुँच गए जी, दोनों पहुँच गए, तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद लगा कि ये क्योंकि उसमें मेडिटेशन भी होती है 20 मिनट्स की, ठीक है, उसके बाद खाना भी खाना है, कोई बुक शेयर करनी है, कोई थॉट शेयर करनी है, तो बहुत अच्छा था। उसके बाद क्या हुआ कि अभी 10 दिन हुए थे, तो कोई ऋषिकेश में ये ध्यान कुंभ था, तो मेरे को ही रूहानी मिलन में दोस्त हैं डॉक्टर बिंद्रा, उन्होंने फ़ोन किया कि आप ऋषिकेश जाना चाहते हो। मैंने कहा जा सकते हैं, फिर मैंने उनको बोला मैंने जाना है, तो जाना तो कहते ऐसे है कि आज शाम तक आप ना वेद गुप्ता जी को 5,000 रुपया दे आओ। मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि मैं कॉलेज से, मेरे को इतना था कि मेरी वो सीट ना कैंसिल हो जाए,
मैंने कॉलेज के वापसी पे मैंने वृद्धाश्रम आके गुप्ता जी को फोन करके उनको 5,000 दिया कि मेरा कन्फर्म कर दो कि मैंने जाना है। इसमें ब्यूटी क्या है कि मेरे को अनिल भारती जी जानते थे जो पहले से, और डॉक्टर बिंद्रा, मैं दोनों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि दोनों कॉलेज में आए थे। गुप्ता जी मेरे को नहीं जानते थे, बाकी तो लेडीज हैं। चलो मैं कह यार मैं जा तो रहा हूँ, 3 दिन रहना भी है, मेरे को जानता तो कोई है नहीं, लेकिन मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था, मैंने जॉब भी ऐसे की है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है कि कोई बात नहीं यार, मैं तो अपने लिए जा रहा हूँ, अपनी मैंने देखनी है कि ग्रोथ कैसे होनी है, तो मैंने ध्यान कैसे लगाना है, मेरे को अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे सुबह पहुँच गया, वो तो टीचर हूँ, टाइम पे पहुँच गया, ठीक है चले गए, मैं और भारती जी चले गए, लेकिन मैं ग्रुप के साथ नहीं रहा, मैं भारती जी साथ में गए वापसी पे, डॉक्टर साहब साथ में आ गए। तब मेरे को सब मेरे से ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते थे, ये प्रिंसिपल है, ये रिटायर हुआ है, ये पता नहीं कैसी बात हुई, ये क्या सोचेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उसके बाद 3-4 मीटिंग्स हो चुकी हैं उसी रूहानी मिलन की, तो अब वहाँ भी 3 दिन रहे, मिक्सअप होना शुरू हो गए। मैं आई अटेंडेंट मोस्टली मैंने 80% अटेंड की पत्री जी की जो वहाँ पे ध्यान का टाइम था, और मैंने मॉर्निंग वाली भी जब फ्लूट का था वो रियली मैंने वो की। तब मेरा एक्सपीरियंस एक टाइम पे ये था कि मैं वो स्टेप्स पे बैठा हुआ था, तो मेरे को एक टाइम पे ये लगा कि 5:30 से 7:30 थी, मैंने 7:15 तक की, तो मेरे को लगा कि मेरी आईज तो बांध है, लेकिन मेरे को आगे वाइट वाइट नज़र आ रहा सारा, देख कुछ नहीं रहा कि जैसे रोशनी होगी। तो मैंने कईयों से शेयर भी की इमीडिएटली, क्योंकि मेरी नेचर है कि मैं शेयर करता हूँ, यार ये क्या हुआ। वो कहते ठीक है अच्छा ही हुआ, चलो। फिर मैं जाके वो नहर गंगा के किनारे बैठ गया, लेकिन बड़ा आराम से फ्लूट और ये बड़ा अच्छा लग रहा था, रियली वंडरफुल कि मैं आई फील सो ब्लेस्ड। चलो वापस आ गए। उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये जर्नी अच्छी है। नवरात्रों में मैंने हर डे 60 मिनट की अटेंड की, उसके बाद जब मंगलवार और यहाँ पे सैटरडे को होती है, उसके साथ फिर मैंने अब तो मैंने घर में भी शुरू कर दी अपनी, ठीक है। मेरे को समझ लग गई कि इसको कैसे करना है, यूट्यूब से, चाहे वो गाइडेड मेडिटेशन है, लेकिन आई कीप ऑन कंटिन्यूइंग, तो मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा ये लगता है कि जैसे हम दोनों ही रहते हैं घर में, मैं और मेरी वाइफ है, वो उनको ये अच्छा लगता है कि चेंज आ रही है। चेंज कैसे आ रही है कि जैसे पहले होता था कोई काम बोला मैं ठीक है यार नहीं कितने काम करे जो, अब मेरे को लगता है कि ये कि दुनिया में जो पैसा कमाना कमा लिया 63 की एज तक पैसा ही कमाया और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया का मतलब ये है कि वो जॉब थी। मेरी वाइफ भी कॉलेज से प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, कॉमर्स के ही हैं वो भी, मैं भी कॉमर्स का ही हूँ। ऐसी कोई नहीं है कि हाँ मेरे बेटी भी जॉब कर रही है, बेटा भी जॉब कर रहा है, डॉटर भी जॉब कर रही है, मतलब ये है कि वो अपनी अपनी जगह सेटल्ड है। कोई फाइनेंशियल ये नहीं है कि जिम्मेवारी है तो मेरे को सब कुछ करना है, लेकिन मैं उनको भी कहता हूँ कि आप मेडिटेशन करो। मेरे 4 छोटे भाई हैं, वो इधर मोगा टाउन है वहाँ रहते हैं, तो मैं उनके पास गया तो मैंने उनको भी बोला कि आप थोड़ी सी ना यार मेडिटेशन करनी शुरू करो। लेकिन मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मेरे को भी, मैं खुद मेडिटेशन में स्पिरिचुअलिटी में बच्चा हूँ, एक तरह का चाइल्ड हूँ, लेकिन मेरे को ये पता है कि आई विल कन्विंस माई सेल्फ, देन आई विल कन्विंस अदर्स। ये बहुत ज़रूरी है टीचिंग में, अगर मैं खुद ही कन्विंस नहीं हूँ आई कांट कन्विंस एनीवन। अब लेटेस्ट क्या है कि पता चला कि पत्री जी पंजाब में आ रहे हैं, कल मिले उनको, मैं उनके पास ज़्यादा देर नहीं बैठा, लेकिन उनको मेरा बर्थडे भी था, मैंने उनको ब्लेसिंग ली उनसे। वो कहते 1,000 साल जियो, मैं कह पत्री जी मेरे को बस ये चाहिए कि मैं जो जितना भी मैंने जीना है वो किसी, पहले भी वो एक टीचिंग भी एक प्रोफेशन ऐसा है जो समाज का कार्य करते हैं, तो कहते मैं मेडिटेशन खुद भी करूँगा, मैं उनको बोला, और इसकी अवेयरनेस, क्योंकि नॉर्थ में इसकी अवेयरनेस कम है एज़ कम्पेयर टू साउथ। बेटी मेरी बेंगलोर में है, मैंने उसको बोला कि तू तो यार वहाँ रहती जहाँ पे मेडिटेशन का सेंटर, वहाँ पे पिरामिड का वो पिरामिड वैली भी है। वो कहती रोज़ कहती, मैं रोज़ उसको मैसेज डाल देता डू मेडिटेशन एवरी डे। लेकिन एक चीज़ जो मैंने फील की है, जो मेरा अनुभव है, जितने भी दिन मैंने मेडिटेशन किया, जितने भी टाइम किया टिल डेट,
जो मेरे में फीलिंग आ रही है कि जो सेटिस्फेक्शन है, इट्स नॉट जॉब सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन संतुष्टि, पीस ऑफ माइंड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी यू हैव। ठीक है, पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा मजबूरी नहीं है। कितना चाहिए ये आपकी प्लानिंग है। मैंने रचना मैडम को बोला कि मैंने ना पत्री जी के साथ रहना चाहता हूँ, तो वो कहते देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो मैंने कल फिर हमारे इधर रूहानी मिलन के मेंबर हैं छाया मैडम, मैंने उनको बोला मेरी ना इंटेंशन है, कहते आपने इंटेंशन यूनिवर्स में डाल दी ना, तो समझो ये मैनिफेस्ट होएगी और कंप्लीट भी होएगी। मैंने कहा कैसे, मैं कहा ये तो बच्चों वाली जिद होगी, जैसे बच्चे छोटे बच्चे जिद करते होते हैं कि मैंने ये लेना है, मैंने ये लेना है। तो मैंने जिद तो नहीं, लेकिन मेरी इंटेंशन है कि अगर मेरी इंटेंशन है, जो आज तक आज की डेट तक जो मेरी इंटेंशन है वो पूरी भी होती रही है। अगर मैं ऋषिकेश चला गया था, अकेला चला गया, वाइफ मेरी अकेले घर में छोड़ के गए सुबह, जब वापस आया तब भी लेके गए, तब भी मेरी इंटेंशन थी कि मैं अकेला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ केयर है, सेल्फ डिसिप्लिन है। मेडिटेशन सेल्फ से चलती है, मेडिटेशन खुद करोगे। ठीक है, मेरी मेडिटेशन का असर फैमिली पे हो सकता है, क्योंकि मेरी नेचर चेंज होगी, नेचर नहीं चेंज होगी, मेरा बिहेवियर, मेरा कंडक्ट चेंज हो गया, मैं थोड़ा सा काम हो गया। अगर मैं काम हो गया, मैं पेशेंस मेरे में आ गई, तो नेचुरली वो फैमिली को भी इफेक्ट करेगी। दूसरा ये है कि आपको ना कई चीज़ों में लगता है कि यार ये चीज़ क्या कर रहे हैं, जैसे दूसरे क्या बिहेव कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार क्या है ये, इनकी सोच क्या है, तो आपको वो दूसरों की बातें ना इतनी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे। पहले आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते रहते थे, वो क्या करेगा, वो क्या कहेगा। अच्छा, आजकल एक चीज़ और भी है, अगर मैं किसी को ये कहता हूँ ना, मेरे से पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, अगर मैं बोलूँ मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, वो ना बीच में से हंसते होंगे, यार की करें। एक मेरा दोस्त मेरे को कहता है मेडिटेशन तो एक घंटा कर लेगा, 23 घंटे क्या करता है। मैं उसको ये भी नहीं बोल सकता मैं 23 घंटे इंतजार करता हूँ कि मेडिटेशन करनी है। एक अंदर से होता है कि आज मंगलवार है, बुधवार मैं घर में कर लूँगा, वीरवार चलो मैं कहीं जाना भी होता है, लेकिन फिर सैटरडे की वेट करता हूँ। लास्ट टाइम क्या है कि मैं संडे को इधर आ गया, जो क्लास अभी लगती 12:30 मैं आ गया, तो वो श्वेता मैडम नहीं थी, एक और थी महक, उसने मेडिटेशन करवानी थी, तो बच्चे सामने बैठे हैं, तो मेरी नेचर है, मैं कह भी कौन से कॉलेज में पढ़ता है, कहता सर मैं आपके कॉलेज में पढ़ता हूँ, 2nd semester में हूँ। मैं कह रियली आई फील ब्लिस कि यार तू मेडिटेशन स्टार्ट कर दी तूने, तो मेरे को अच्छा लगता है। अब मेरा जो मेरा पर्पज़ ऑफ लाइफ नाउ ऑनवर्ड्स यही है कि मैं खुद मेडिटेशन करूँ, साथ में इसकी अवेयरनेस बच्चों को दूं, चाहे वो स्कूल के हैं चाहे वो कॉलेज के हैं। मैं एक दो स्कूल की मैनेजिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ, मैंने उनको भी बोला है कि आप मेडिटेशन की तरफ लेके जाओ बच्चों को। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है कि UGC की गाइडलाइंस आई कॉलेजेस को कि आप एक पीरियड हफ्ते में मेडिटेशन स्पोर्ट्स का रखो। तो हमने तो कॉलेज में 2 साल पहले शुरू कर दिया था, और साथ में क्या है कि स्पोर्ट्स एक ब्रेक पीरियड भी होता है। मैं तो चलो नहीं हूँ, जो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल मैंने बोला यार UGC की गाइडलाइंस आ गई हैं तो उसको फॉलो कर लो, तो वो हो जाएगा। लेकिन UGC मींस सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट भी यही सोचती है कि मेडिटेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यंग जनरेशन। एक चीज़ बहुत क्लियर है कि अगर मैंने कहा था मेरे जैसे लोग आगे हैं, अगर मैं सोचता हूँ कि आगे जाता हूँ या लोगों को बताता हूँ, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट क्यों पड़ता है, क्योंकि वो कन्विंसिंगली बताऊंगा और अवेयर भी करवाऊंगा, क्योंकि एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स की बात नहीं मानते, दूसरे की मान लेते हैं। मेरे भी बच्चे 2 हैं, उनको मेरे अगर मेरी बात नहीं समझ आ गई, मैं कहता यार कोई इनको गाइड मिल जाए। हाँ, गाइड की बात से मेरे को याद आया कि 3 दिन पहले मैंने रचना मैडम को वैसे फ़ोन किया तो उन्होंने मैसेज डाल दिया कि I will call you back later on। फिर उन्होंने LPU की फ़ोटोग्राफ डाल दी कि लवली प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो गए थे, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, कि पत्री जी ने वहाँ जाना है तो सारा देखने के लिए सब कुछ ठीक ठाक है। तो उन्होंने फ़ोटोग्राफ डाली, तो मैंने कहा दिस ग्रेट। तो फिर मैंने फ़ोन कर पूछा कि आप कैसे गए, मैं कहा मेरे को था कि मैं भी चले जाते, मेरे को भी अच्छा लगता कि थोड़ा बहुत एड्रेस हो जाता। तो फिर मैंने उनको एक मैसेज डाल दिया, वुड यू लाइक टू बी माई स्पिरिचुअल गाइड। तो उन्होंने इमीजिएटली स्पॉन्टेनियसली आंसर दिया श्योर। तो
तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कम से कम कोई रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जो बच्चा होता है ना उसको रास्ता दिखाने वाला बंदा चाहिए होता है। और मेरी लाइफ में मैंने पीएचडी भी की है, और मेरे पीएचडी के भी गाइड थे वो मेरे से 4 साल छोटे थे। तो ये नहीं है कि एज में छोटा बंदा होना चाहिए, उसकी नॉलेज अगर उसकी फील्ड में ज़्यादा है तो वो आपके लिए सीनियर है, और इसके लिए गाइड का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गुरु तो गुरु हैं, गुरु तो पत्री जी हैं, गुरु हैं, लेकिन आगे गाइड का क्या है कि जो आपको इमीडिएटली आप फ़ोन करके पूछ लो कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरे को बहुत खुशी हुई और अच्छा भी लगा मेरे को कि कम से कम मेरे को ये एक डायरेक्शन मिल गई। और गाइड पीएचडी में गाइड वही काम करता है, काम आपने करना होता है। मेडिटेशन भी मैंने ही करनी है, मेरे बिहा पे किसी ने नहीं करनी, लेकिन मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक पढ़ रहा हूँ, ठीक समझ रहा हूँ, ठीक मेरा मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर लूँ तो मेरे लिए इट विल बी ए ब्लिस। तो लास्ट में मैं एक चीज़ शेयर करनी चाहता हूँ जो मेरी अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है कि लाइफ में सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी यू हैव। आपके पास जितना मर्जी पैसा हो लेकिन अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है।